अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप बेटर ऑनलाइन पे आप सब लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों अब आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह कि आप लोगों को टाइटल से नज़र आ रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट बिफोर क्वेंट बिफोर अकाउंट्स। आज हमारा जो हम लोग क्योंकि अपने तीन स्टेप्स को कवर कर चुके हैं, आज हमारा चौथा स्टेप है। और चौथा स्टेप क्या होता है जी, कि अपने हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ जाएं। तो बिफोर के हम लोग फाइनल अकाउंट की तरफ मूव करें, उससे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, एक दो लेक्चर जिस पे होंगे, ताकि हम लोग इसको सीख सकें कि हम फाइनल अकाउंट में जाने से पहले हमें किस किस चीज़ की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास, हम लोगों ने इस बात को समझना है कि ट्रांजेक्शन क्या चीज़ है। अब ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या होती है, दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं। आप लोगों को जिस तरह अकाउंटिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास अकाउंटिंग में हम लोग किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब जब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगी तो अकाउंटिंग अकर होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं, एक को कहा जाता है जी सोशल ट्रांजेक्शन, एक को कहा जाता है जी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब सोशल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, जिस तरह बर्थडे वेडिंग्स वगैरह होती हैं हमारे पास, ठीक है, ये सारी सोशल ट्रांजेक्शन होती हैं, और अकाउंटिंग में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। लेकिन जब कभी भी आपके पास मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है, जब आप कुछ पैसे स्पेंड करेंगे, जब आप मनी स्पेंड करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहेंगे। अकाउंटिंग में इसी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपके पास मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है देन यू विल रिकॉर्ड इन टू यूर अकाउंट, अगर आपके पास मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है देन यू डू नॉट नीड टू रिकॉर्ड इट, ठीक है। अब हमारे पास मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की एग्जाम्पल्स क्या क्या है, फर्ज करें हमारे पास लाइक परचेज ऑफ कार्स, सेल्स ऑफ फर्नीचर एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है जी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। अब दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं जी वेयर एंड टेयर, या हमारे पास जो वैल्यू में कमी हो रही थी एसेट्स की, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, फर्ज करें आपने एक नया मोबाइल लिया हुआ था, ठीक है, वो नया मोबाइल जब आप लोगों ने लिया वो तकरीबन 40,000 और 50,000 का था। लेकिन लेटर ऑन जब आप एक साल या छह महीने आप लोग उसको यूज कर लेते हो, तो जब आप उसको सेल करते हो तो वो कभी भी जितने के आपने लिया होता है, फॉर एग्जाम्पल 40,000 या 50,000 का, उतने पे सेल नहीं हो रहा, बल्कि उससे कहीं कम पे सेल हो रहा होता है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्राइसेज होती है, इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फाइनल अकाउंट में जाने से पहले आप लोगों को डेप्रिसिएशन के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डेप्रिसिएशन हमारे पास दो तरह की होती है, इसके अलावा हमारे पास तीन चार किस्म की डेप्रिसिएशन है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो बिगिनर सीरीज पे यूज होती है वो यही दो है। पहली कौन सी है जी, स्ट्रेट लाइन, ए को कहते हैं जी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। आपके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना याद ध्यान ही रहे, ठीक है, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। अच्छा, तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, कहती है डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। अब जितने भी आपके पास एसेट की लाइफ है, उस पूरे अरसे के दौरान आपके पास डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। मैंने जी एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल्स क्या है, कहते हैं जी अली परचेज अ कार फॉर ₹50,000 एंड रेजिडुअल वैल्यू उस 5,000। रेजिडुअल वैल्यू किस वैल्यू को कहा जाता है, या उस वैल्यू को कहते हैं जो आखिर में रह जाती है, ठीक है। फर्ज करें यानी कि जिस तरह आप लोग ये समझ लेंगे जी कुछ भी ना करें इतनी की तो बिक ही जाएगी, उसको रेजिडुअल वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं जी व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कहते हैं जी तो डेप्रिसिएशन क्या है, याद रखिए स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो ये जो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है, अब आप क्वेश्चन को अगर आप पढ़े एग्जाम्पल्स को, तो हमारे पास 5 ईयर्स है, ठीक है। कॉस्ट हमारे पास 50,000 है और रेजिडुअल वैल्यू उसने हमें बताया कि जी ये 5,000, टोटल 45 के साथ 5 को डिवाइड कर तो हमारे पास 9,000 आता है। अब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि जो स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन होती है इसमें हमेशा आपके पास डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ईयर वन में आपके पास डेप्रिसिएशन 9,000, टू में भी, थ्री में भी, फोर में भी आपके पास डेप्रिसिएशन हमेशा हमेशा के लिए 9,000, जब तक आपका एसेट आपके पास रिटायर नहीं हो जाता 5 सालों में, ठीक है, आपके पास डेप्रिसिएशन 5,000 ही रहेगा। इसके मुकाबले का जो सेकंड हमारे पास डेप्रिसिएशन का मेथड होता है उसको कहा जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये इस स्ट्रेट लाइन मेथड का बिल्कुल उलट होता है। अब इसका उलट कैसे होता है, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। कहता है डेप्रिसिएशन डिमिनिशेज या डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह के आप लोगों को नाम से भी जाहिर होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है ये हमेशा वक्त के साथ साथ कम होता रहता है। अब कैसे कम होता रहता है, मैं इसकी एक एग्जाम्पल बता दूं। फर्ज करें आपके पास एक जो है ना एसेट था, आप लोगों ने उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, पहले साल आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 10,000 रिकॉर्ड की, तो ईयर टू आपके पास 10,000 नहीं होगी बल्कि उससे कहीं नीचे आ रही होगी, मे बी 9,500 हो जाएगी,
सिर्फ 9000 भी हो सकती है, 8500 भी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 10000 नहीं होगी भारत। ठीक है, इसके डेप्रिसिएशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, कि बुक वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी जो है ना डेप्रिसिएशन परसेंटेज के साथ। हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे समझ लेना क्या था जी, अली परचेज अ कार फॉर रुपीज 50,000 एंड डेप्रिसिएशन रेट इज 10% पर एनम, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कहता है जी वो डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास 10% है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कहता है जी इसका फार्मूला क्या है, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज। हमारे पास बुक वैल्यू कितनी थी, हमारे पास 50,000 और हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना था 10%, तो यूं हमारे पास 50,000 का जब हम लोगों ने 10% लिया तो हमारे पास 5,000 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पहले साल के लिए डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 5,000। अब ईयर टू के लिए हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या होगी, इसको आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली समझना पड़ेगा। ईयर टू के लिए डेप्रिसिएशन हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था कि बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, देखो बुक वैल्यू का हमारे पास एक फार्मूला होता है जी कि बुक वैल्यू इज इक्वल टू, बुक वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होता है जी, बुक वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास बराबर होता है जी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है, हमारे पास बुक वैल्यू किसके बराबर होती है जी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन के हमारे पास बराबर होती है। जब हमारे पास ये इस चीज के बराबर होती है, इसका मतलब क्या है कि ईयर टू में हमारे पास बुक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब बुक वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखें हमारे पास कॉस्ट कितनी थी 50,000, 50,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो हमारे पास कितनी रह जाएगी 45,000। इसका मतलब क्या है, देखो आप लोगों के समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया कि डेप्रिसिएशन किस तरह लिया, 50,000 में से 5,000 माइनस करें और मल्टीप्लाई बाय 10% करें तो ठीक है हमारे पास 4,500 है। जिस तरह आप लोगों को बताया था ना कि डेप्रिसिएशन हमेशा डिमिनिश होता रहेगा, तो पहले 5,000 था, 4,500 रह गए। अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन देखें आप लोग, ठीक है 5,000 में से ये 5,000 भी माइनस करेंगे, 50,000 में से 4,500 भी माइनस करेंगे, फिर उसका 10% लेंगे तो हमारे पास 4,050 आएगा। अब आप लोग अगर इस सीक्वेंस को गौर से देखें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या है, वक्त के साथ साथ कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये होता है हमारे पास। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि देयर आर सम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल लाइक सम ऑफ डिजिट मेथड्स यूनिट मेथड, इस मौके पे बिगनर सीरीज के आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इस चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव में जब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल की तरफ, फिर एक्सपर्ट लेवल की तरफ, तब आप लोगों के लिए वो बहुत जरूरी होगा। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, एक बात याद रखें, यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन भी किया कि दीज आर द एक्सपेंसेस दैट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक डॉक चार्जेस फॉर एग्जांपल, लोडिंग अनलोडिंग, फ्यूल, मटेरियल परचेज, लेबर कास्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती किसी भी चीज के साथ। मैं एग्जांपल से अगर आप लोगों को समझाऊं, फर्ज करें आप एक गाड़ी परचेज करते हैं, जब आप गाड़ी परचेज करते हैं अपने पास लेकर आते हैं तो उसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह जब आप कोई मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं तो जो तमाम इंस्टॉलेशन तक एक्सपेंसेस आते हैं, यानी कि फर्स्ट टेस्ट तक, कमर्शियल प्रोडक्शन के स्टार्ट होने तक जो तमाम एक्सपेंसेस आते हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि दीज आर द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद द डायरेक्टली बट विद द प्रोडक्ट, बट दीज आर अदर एक्सपेंसेस, लाइक कैसे अदर एक्सपेंसेस जी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सैलरीज ऑफ स्टाफ, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, रेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस वगैरह। मैंने नीचे कुछ एक छोटा सा नोट भी मेंशन किया, ये नोट इसमें क्या है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, दीज एक्सपेंसेस बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट, दैट इज टू से कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, हम इसको कहां पे चार्ज करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज करेंगे। अगर इस पॉइंट पे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग केस है जो है ना डिफर करेंगे, तो टेंशन ना लें, आगे जब हम लोग अकाउंट सीखेंगे तब आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग तरीके से समझ जाएं। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम कहाँ पे लिखते होते हैं, इनको हम बिल्कुल भी प्रोडक्ट को चार्ज नहीं करते, बल्कि हम इसको कहाँ पे चार्ज करते हैं, इनकम को चार्ज करते हैं ताकि हमारे पास प्रॉफिट आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, दीज एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बट चार्ज टू डिराइव प्रॉफिट, लेकिन हम लोग उसको वहां पे चार्ज करते हैं ताकि हम लोग अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास जो फाइनल अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कैपिटल की कैलकुलेशन आप लोग कैसे करेंगे। ये बहुत बिगिनर सीरीज है तो आप लोगों को बहुत बुनियादी बातें सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरह होगी, सबसे पहले आप लोग कैपिटल लेके, जितना कैपिटल आप लोग बिजनेस में लेकर आएंगे, उसके बाद आप लोग इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, जो एडिशनल कैपिटल, जो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर होगा उसको हम ऐड करेंगे, उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल होगा, जो हम लोग नया कैपिटल, फर्ज करें हम और ज्यादा कैपिटल अपने बिजनेस में लेकर आ जाते हैं क्योंकि हमें चाहिए होता है, ठीक है, उसको भी आप लोग ऐड करेंगे। अगर आप लोग बिजनेस से कुछ इंटरेस्ट वगैरह रिसीव करें, कैपिटल, जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया
तो वो भी आप लोग इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग लेस किसको करेंगे, ड्राइंग्स को। तो ये आपके पास इस तरह आपके पास कैपिटल की कैलकुलेशन आ जाएगी। अब अगर आप लोगों को किसी भी इस पूरे सिनेरियोस में कहीं का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जरूर मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर, सारी चीज़ें जो है ना, आईडीज वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह मेरा सारा कुछ मेंशन है। तो आप लोग अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है जी, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास फाइनल अकाउंट का। अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक और स्टेप आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग फाइनल अकाउंट को फाइनली सीख सकें कि फाइनल अकाउंट दरअसल होते क्या हैं। फाइनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें मैंशन थी, वैसे तो हमारे पास चार पांच किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन आप लोगों के बिगनर सीरीज पे समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि दो तरह की चीज़ें फाइनल अकाउंट्स में आप लोगों ने अभी सीखनी है। वो क्या क्या है, एक को कहा जाता है जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। इसी को हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा, अच्छा ये सारी चीजें एक ही नाम है, ठीक है, ये कोई अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं, ये एक ही नाम है, एक ही चीज के इतने सारे मुख्तलिफ किस्म के नाम है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, उसको कहा जाता है जी बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको सिर्फ सिंपल बैलेंस शीट भी कहते हैं, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, आगे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे पास दो किस्म की चीजें होती हैं। दो किस्म की चीजें कौन कौन सी होती हैं, एक को कहा जाता है जी ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं इसमें हमारे पास क्या होते हैं जी, चार्ज ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो ऊपर जो हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़े हैं वो तमाम एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को चार्ज करते हैं। तो याद रखें हमेशा, ये बात आप लोगों ने जरूर बिल जरूर याद रखनी है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, या ग्रॉस प्रॉफिट आता है हमारे पास, या हमारे पास इसका ग्रॉस लॉस आता है, ठीक है। या आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या आपके पास ग्रॉस लॉस आएगा। इसी तरह जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपके पास इधर तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर जो हम लोगों ने पढ़े हैं, जिनको हम लोग प्रोडक्ट को चार्ज नहीं करते, वो तमाम एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग चार्ज करते हैं। और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, या हमारे पास इसका नेट लॉस होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन थी। अगला जो हमारे पास जो डिस्कशन का पॉइंट होगा उसमें मैं अब कोशिश करूंगा आप लोग इसके फॉर्मेट्स वगैरह सिखा दूं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ जाएं। कहीं पे भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, जो है ना हैज़न नहीं करना, आप लोगों ने बिल्कुल आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। मसला मसाइल हो तो आई एम देयर, आई एम अवेलेबल। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।